बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे अल्लाह के फजल व करम से इंशाल्लाह। आज मैं बनाने लगी हाँ बीफ कढ़ाई। और वास्ते मैं 2 किलो बीफ लिया हुआ, 4 प्याज लाया दरमियाने से, बहुत छोटे नहीं से दरमियाने से लेके कट के रख लाया। प्याज जिमें मर्जी कट लो गलाउन वास्ते। 1/2 किलो टमाटर लाए वा, वो भी कट के रख लाए, छोटे छोटे कट के लाए रख लाए। लसन कटिया 2 गंढे लाए से लसन दे, वाहवा थोड़े बड़े से वह भी मैं छिल के रख लाया। इन बीफ न गलाउन वास्ते 2 चम्मच डालूंगी लाल मिर्च पीसी हुई दे, 1/2 चम्मच डालूंगी हल्दी का, 1/2 तो थोड़ा ज़्यादा होगा हल्दी का डालूंगी, नमक हसबे जैका जिन्ना मतलब डालूंगे, जिन्ना खाते होंगे उन्ना ही डालूंगे। हम सब तो पहले मैं इनू गला लूँगी, बनाना शुरू कर दी हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सब तो पहले ये मैं डाल देनी हूँ गोश्त। गोश्त ने मैं अच्छी तरह साफ करके धो के रख लिया सीगा, कुछ मैं उदा ही लिया वा हड्डी तो बगैर लिया वा, तो कुछ हड्डी वाला लिया वा। हम मैं डाल दूंगी ये प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर, लहसुन, लहसुन एवं डाल दूंगी, अदरक डालूंगी, लाल मिर्च पीसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, नमक। एक कप डालूंगी मैं ये पानी का, 1 किलो वाला 1 कप है मेरा, 1 किलो मैं ये पानी डालूंगी। अगर मैंने ज़रूरत पाऊगी तो फिर मैं होर डालूंगी। वैसे तो टमाटर भी पानी छड़ देंगे होंगे, प्याज भी पानी छड़ देंगे होंगे, गोश्त तो भी आपका पानी छड़ता वा, इसलिए मैंने नहीं लगती कि होर ज़रूरत पाऊगी ज़्यादा, इसलिए नहीं डाल रही कि ज़्यादा ना हो जाए पानी। हम मैं ये नीचे अग जला दूंगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैंने मैं अच्छी तरह मिक्स करके रख देनी, जो ये पक्कन लग जूगा उदो वैसे ही ये काम हो जाता वा। मैं सिर्फ गलाना ही है ये, फिर तो मैं कढ़ाई से बनाऊंगी, क्योंकि मैं कढ़ाई बनानी है तो फिर मैं इन कढ़ाई से ही बनाऊंगी। इन मैं गलाने वास्ते उत्ते रख देनी है। हम मैं बंद कर देनी है उतो थोड़ी देर ली, जो 2-4 रेजे पहनते फिर तुम दिखाऊंगी एक दफ़ा, फिर गलता रहूगा, जो गल जूगा अच्छी तरह फिर अगे जो अगू बनाना शुरू करूँगी फिर तुम दिखाऊंगी, देर मैं बाकी चीज़ा तैयार कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त पकन लग गया वा, मैं एक बार तुम्हें दिखा लवा, फिर हूँ मैं इनू तकरीबन 20 मिनट तक पकाऊंगी दरमियाने आँच से। पानी देखे कि पानी छड़ता, टमाटर से प्याज से इन चीज़ों ने, थोड़ी देर मैं ये अग तेज़ रखूँगी, फिर मैं ये दरमियानी कर दूँगी, अग थोड़ी अग ते दरमियानी करूँगी, दरमियानी कर दूँगी बस करके, तो फिर इन पक्न दूँगी जिनी देर तक ये गलूगा नहीं है, ये गल जूगा फिर तुम अगे दिखाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त मेरा गल गया है ना अच्छी तरह, गोश्त मैं गला लिया, हूँ मैं इनू बनाना शुरू कर दी, बाकी चीज़ा डाल दी हैं, बनाना शुरू कर दी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में रख दी है, उत्ते इहदे विच मैं आयल पाता, 4 चम्मच आयल दे पाए है, छोटे वाले 4 चम्मच, जिहड़ियां मेरिया कड़छियां तुसीं देखदे तो है, जिहड़े नहीं देखदे वो जो देखेंगे उदो उन्हां नूं पता लग जूगा, जो मैं कहनी छोटे वालियां 4 कड़छियां। हम मैं अग जला देनी, थोड़ा आयल गर्म होन देनी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिवें मेरा आयल गर्म होगा इहदे विच मैं डालूंगी सब्ज़ इलायचियाँ, साबित मसाला डालूंगी इहदे विच। सब्ज़ इलायचियाँ चार पाँच सब्ज़ इलायचियाँ लईआं, दस पंद्रह भी लईआं वा कालियां मिर्चा, दस बारह लौंगा, तीन इंच इंच के तकरीबन होने तीन दालचीनी के टोटे आ, दो वड्डियां इलायचियाँ ये मैं डाल दिनी हूँ इन्हां दे विच। आयल मेरा गर्म हो गया, इन्हें थोड़ी जी देर मैं मतलब पकाऊंगी इन्हें थोड़ी देर में। बस जिमें कड़कड़ा लग पूगा ना उस वेले मैं दूसरा चीज़ा डाल नाल डाल दूँ दूसरा। हम मेरे डाल दें अदरक, दो चम्मच अदरक दे लाया, लैके उन्होंने अदरक में अच्छी तरह कुट लिया, कुट के दो चम्मच अदरक दे चाय वाले, दो चम्मच वड्डे वाले चाय वाले जो दो चम्मच ने वो लाया, छोटे चम्मच नहीं लाया। थोड़ा कि फ्राई करूँगी, थोड़ा ज्यादा कच्चा पान खत्म करूँगी, फिर मैं ये गोश्त डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक मेरा जरा वह कच्चापन खत्म हो गया, हम मेरे लिए डाल दिनी है गोश्त, लेकिन आँच हल्की करके, ज्यादा आँच होगी तो ये छिट्टे पै जाएंगे, तो छिट्टे ना पैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम थोड़ी तेज कर दूंगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम थोड़ी एक देर भुनूंगी इनू, फिर ये दूसरे थोड़ा जिन होगा ना पक्न लगेगा, फिर मैं ये दूसरिया चीज़ा डाल दी। ये थोड़ा जहा आयल ज़्यादा पैंता, लेकिन कोई गल नहीं, जो ये पक्न लग जूगा पक जूगा, ये आयल बच्चे जज्ब हो जाना, पता भी नहीं लगना। आँच थोड़ी तेज़ कर दी हूँ, तकरीबन हम पकन लग गया वो गोश्त। हम मेरे डाल दिनी है धनिया, खुशक धनिया पीसा हुआ दो चम्मच, जीरा, डेढ़ चम्मच मिक्स कर लूंगी मैं, हाँ
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मैं इधर तो डालूँगी लाल मिर्च पीसी हुई, फ्रेश लाल मिर्च, फ्रेश लाल मिर्च, सब्ज़ मिर्चा होंगे ना वो जो वो मेरी फ्रेश लाल मिर्च पीसी हुई मैं घर पीसी आप कुटी है इन एन अच्छी तरह कुटी है। ये डाल दूँगी मैं दो चम्मच लाल मिर्च, इतनी ज़्यादा कड़वी नहीं थी इसलिए मैं दो चम्मच भर के डाल देते हैं। कुछ डाल दूँगी मैं सब्ज़ मिर्चा, सब्ज़ मिर्चा मैं साफ़ किया धोता है ना अच्छी तरह चेक की एवं दो दो करके कट लिया वा, ये डाल दूँगी। पाँच छः सब्ज़ मिर्चा लिया से इन बड़िया नहीं छोटिया ही हैं, पाँच छः सब्ज़ मिर्चा लिया से वो डाल दूँगी। हूँ मैं इन अच्छी तरह भुन लूँगी, बस दरमियानी आग पर भुनूंगी, थोड़ी जी देर तेज़ की थी अग फिर थोड़ी कर ली है, दरमियानी आग पर मैं भुन लूँगी एन अच्छी तरह, एन अच्छी तरह भुन लूँगी इन्हें। देखो मैं तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता वा, अगे बनूंगा तो पता लगेगा किवें दा बनता। वैसे इदा बनाओ तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बनता, बहुत मज़ेदार बनता हूँ, बहुत टेस्टी बनता हूँ। मानी रही तकरीबन भुज च लिया गोश्त, माशाल्लाह खुशबू तो अच्छी आती है, हजमे में दही डालना है तो माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आती, बहुत लगता कि मज़े का माशाल्लाह बनया। हम मेरे बच्चे डाल देनी दही, दो किलो गोश्त से ना अद्धा किलो मैं दही लिया वा, अद्धा किलो मैं टमाटर डाले से ये अद्धा किलो ही दही डालूंगी, ये अद्धा किलो मैं दही लिया वा वो मैं ये डाल दिनी हाँ। हम मैं इन अच्छी तरह कर लूँगी, मिक्स कर लूँगी, फिर इन मैं ये जो पानी होगा ये भी इन मैं अच्छी तरह भुन लूँगी। लेकिन ये फिर भी तुम दस दी कि बहुत दरमियानी आँच तो दरमियानी तो भी कम आँच तो तुम हम भुनोगे इन बहुत ही ज़्यादा आँच नहीं करोगे। हम मैं अच्छी तरह भुन लूँगी, इस वीडियो में शुरू तो ला के एंड तक देखा जे, एंड तक जो तुम देखोगे फिर तुम्हें एन अच्छी तरह पता लगेगा कि किदा बनाई, क्योंकि एंड तक ये मैं चीज़ा डालियाँ सारिया, तो एंड तक ही तुम इन्हें देखा जी फिर पता चलूगा कि यह कढ़ाई किदा बनी है। तो जो तुम इदा बनाओगे जरूर बनाया जो ट्राई जरूर करा जे, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बनती है कढ़ाई, कदे बना के देखा जे फिर मैं कमेंट च दसिया जे जरूर के किदा दी बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बस तकरीबन मैं भुज चलिया थोड़ी एक देर है। अगर तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, जरूर बना के जरूर देखा जे, तो जरूर मैं कमेंट जरूर दसा जे, प्लीज़ कमेंट करके मैं दसा करो ताकि मैं थोड़ी खुशी हो कि मेरिया चीज़ा बनिया देखते हैं लोग, देख के मैंने दस दे भी अभी किदा दियाँ बनिया, फिर इस अम्मा ने भी खुशी होगी कि देखते सारे लोग मैंने दस दे कि किदा दियाँ बनिया, कमेंट करके दसा जी मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल कढ़ाई बन के बिल्कुल बीफ कढ़ाई बहुत मज़े की बहुत टेस्टी बन के माशाल्लाह तैयार होगी, माशाल्लाह बनी हुई बहुत मज़े की है, बहुत टेस्टी भी बहुत है, तुम जरूर ट्राई करे जे बनाया जे जरूर फिर मैं कमेंट च दसा जे। पर मैं ये डाल दूँगी एक चम्मच गर्म मसाले का,
ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਾਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਸਾਬਤ ਡਾਲਿਆ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਾਲ ਦੂੰਗੀ ਸਬਜ਼ ਧਨੀਆ, ਸਬਜ਼ ਮਿਰਚਾਂ, ਬਸ ਕੜਾਹੀ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਇਹਨੂੰ, ਅੱਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਲ ਲੂੰਗੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਲੇਟ 'ਚ ਨਿਕਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ, ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਡਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਗੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਿਲੂੰਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।